क्योंकि सीएम है ना, कभी अंग पे लगा के ले गया नहीं कोई भी सीएम रहने दो, वो अमुक लिमिट पर खाली आप सीएम के गाड़ी में घूमोगे, सीएम के इवेंट्स फॉलो करोगे, तो उससे काम मीरा भाईंदर का बनने वाला नहीं। तो ये भी बोल रहा हूँ, सीएम के साथ में रहने वाला सचिन वाजे, वो हफ्ते में चार दिन उद्धव ठाकरे साहब के साथ में रहता है, कि सचिन वाजे के ऊपर 100 करोड़ रुपया जमा करने का जो आरोप हुआ है ना, उस मामले में बात कर रहा हूँ मैं। अगर इन्होंने, अगर ये मेरा भी अगर सुना नहीं ना, तो मैं इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स, ईडी, बीडी सबका, परिवार का भी, सदस्य का भी इंक्वायरी लगाऊंगा। लगा रहा हूँ आरोप ही लगा रहा हूँ। फेरी वाले किसके लिए, नगर पालिके का अधिकारी उनके साथ में मिला हुआ इसके लिए चल रहे ना, तो नगर पालिके जो फेरी वाले जो कलेक्शन करते हैं वो किधर तक पैसे जाते हैं, उसका भी शानिशा होना चाहिए ना। आयुक्त साहब को मुझे मेरा यही विनंती है कि ये सब गुमराह करने का जो काम चल रहा है अभियान के माध्यम से, ये गलत है। सफाई के जो कर्मचारी है उनके भरोसे पे आप लोग जब ये साफ सफाई अभियान कर रहे हो, उनको पगार मिला कि नहीं, उनको पीएफ मिला कि नहीं, उनको ईएसएससी मिला कि नहीं, उनका जो पति गुजर गया तो उसके औरत को नौकरी पे रखा कि नहीं, इसके ऊपर ध्यान कौन देगा? तो इधर मीरा भाईंदर में कोई पार्टी उसके ऊपर सीरियसनेस नहीं है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए हैं, सन्मान्य अविनाश जाधव साहब, हेमंत सावंत साहब, कविता ताई, इनके मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ पे आए हुए। आज हम लोग ने सवाल जवाब करने का, उनके पास कोई एक भी, खाली बस टेंडर निकलने वाला है, कार्रवाई चालू है, यही मैंने उनको अल्टीमेटम का, परसों देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे, रोड बराबर बन गया, तो मुझे लगता है मोदी साहब को पूरा मीरा भाईंदर घुमाना पड़ेगा तो जाके रोड होएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये सब है ना, ये गुमराह करने का लाइन में अधिकारियों जो जनता का नाम से पहलों ने करोड़ रुपया कमाया है, और एक एक अधिकारी 50-50, 25-25 करोड़ का मालिक है, और एसटीपी प्लांट जितने चालू है कितने नहीं उनको ही मालूम। अभी हमने मांगनी की है कि हमको उसका रिपोर्ट चाहिए, राइटिंग में मेरा यही आरोप है, ये आमदार खासदार को कुछ पड़ी नहीं है। आप टेंडर का नाम निकालो, देखो कैसे आ जाते हैं इधर उधर से, कि टेंडर का इनको पड़ी है, ख्याल में रखो। और ये लोग छाती टोके, जैसा मैंने आपसे बात किया ना वैसा छाती टोके बात नहीं कर सकते, उसका कारण ऐसा है कि सबके हाथ मिले हुए। आज 15 करोड़ में कोई भी स्कूल को आप फंड देते थे ना, तो कम से कम 2000 बच्चे, आज उसको 5-5 हज़ार भी कम होता तो भी बहुत बड़ा उनके लिए समाधान होता था ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका जिस तरीके से मनपा आयुक्त इवेंट करके लोगों को गुमराह करते हैं, स्वच्छता के नाम पे कलाकारों को बुलाया गया, एसटीपी का मलमूत्र युक्त पानी जैसल पार्क खाड़ी में छोड़ा गया, कुल मिलाकर के मीरा भाईंदर से संबंधित समस्याओं को लेकर के आज मनसे के 145 के अध्यक्ष संदीप राणे ने आत्मदान का इशारा किया था, बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स लगी थी, आज उन्होंने मनपा में घेराव किया। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस संदर्भ में। क्या कहेंगे सर आप, आत्मदान का इशारा दिया था आपने? मैंने इशारा दिया था 2 अक्टूबर को कौस्तुभ राणे चौक मीरा रोड, यहाँ पे आत्मदान का मैंने लेटर दिया था। उसके बाद में नगर पालिका का मुझे लेटर आया, नगर पालिका का लेटर आने के बाद आज मीटिंग हुई, यहाँ पे आयुक्त नहीं थे लेकिन बाकी के सब जवाबदार अधिकारी थे वहाँ पे। मैंने उनको ये कहा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान जो किया जाता है, आज साल में 4 महीने के बाद, 4 महीने के अंदर दूसरी बार ये स्वच्छ भारत अभियान चालू है मीरा भाईंदर में। और ये मीरा भाईंदर के अभियान जब करते हैं लोग, जब स्कूल को इन्वॉल्वमेंट करते कि आप स्कूल वाले इन्वॉल्वमेंट हो जाओ उसके अंदर, विद्यार्थियों, स्टूडेंट लोग, और मुझे ये कहना है कि आपको अगर कोरोना का काल में जब विद्यार्थी जब तकलीफ में थे, विद्यार्थियों के जब जो घर के परिवार के जो सदस्य थे वो तकलीफ में थे, जब नगर पालिका किधर था? आपको आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, इसके लिए बच्चे लोगों ने साथ देना चाहिए, ये आपकी अगर मांग है तो आपको जैसा विद्यार्थियों को भी सहकार्य करना चाहिए था। स्कूल के गेट से उनको भगाया जाता था, उनके जो पेरेंट्स लोग थे उनको गेट से भगाया जाता था कि आप इधर ये लेके आओ, ऑर्डर लेके आओ और उसका ये लेके आओ, जीआर लेके आओ, उसके बाद में इधर खड़ा रहने का नहीं। नगर पालिका ने भी उस समय कुछ ध्यान दिया नहीं उसके ऊपर। तो मेरा ये कहना है नगर पालिका को मुग्धा घोड़से और जितेंद्र को लाना पड़ रहा है मैसेज देने के लिए, तो इनको जो पैसा खर्चा करने से अच्छा ये अगर जो विद्यार्थी के ऊपर करते थे, तो मुझे लगता है कोई एम्बेसडर लाने की जरूरत ही नहीं ना। अगर विद्यार्थी अगर घर घर में अपने पेरेंट्स को भी दो जन को लेके आते तो भी अभियान बहुत अच्छे तरीके से चलता था, लेकिन मैसेज टोटल गलत गए। आयुक्त साहब को मुझे मेरा यही विनंती है कि ये सब गुमराह करने का जो काम चल रहा है अभियान के माध्यम से, ये गलत है। और साल में 2 बार आपको लेना पड़ता है, 4 महीने में 2 बार इवेंट करना पड़ता है, तो और बाकी के 12 महीना करते क्या है? जो साफ सफाई के जो कर्मचारी है उनके भरोसे पे आप लोग जब ये साफ सफाई अभियान कर रहे हो, उनको पगार मिला कि नहीं, उनको पीएफ मिला कि नहीं, उनको ईएसएससी मिला कि नहीं, उनका जो पति गुजर गया तो उसके औरत को नौकरी पे रखा कि नहीं, इसके ऊपर ध्यान कौन देगा? तो इधर मीरा भाईंदर में कोई पार्टी उसके ऊपर सीरियसनेस नहीं है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए हैं, सन्मान्य अविनाश जाधव साहब, हेमंत सावंत साहब, कविता ताई, इनके मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ पे आए हुए, और हमने उनको सवाल जवाब किया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज हम लोग ने सवाल जवाब करने के बाद उनके पास कोई एक भी, खाली बस टेंडर निकलने वाला है,
कार्रवाई चालू है यही, मैंने उनको अल्टीमेटम दिया है। फेरी वाले का जो मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, फेरी वाले के ऊपर कल से कल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो 2 तारीख को मेरा वही स्टैंड रहेगा जो मैंने पत्र दिए। बात है फेरी वाले की, अगर देखा जाए तो शांति नगर हो, शीतल नगर हो, लोधा रोड हो, भाईंदर ईस्ट हो, कैबिन रोड हो, इन सब जगह पर दुकानों के सामने दुकान, एक दुकान के सामने दो दो दुकान, और फेरी वाले पतक होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है, बड़े पैमाने पर वसूली का आरोप लग रहा है। बराबर वही मैंने विषय लिया है मैंने, और इस आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। बालाजी होटल जो मीरा रोड में है, प्लेजेंट पार्क रोड, वो रोड से खाली कमिश्नर जाने वाले थे उस दिन, है ना, पूरे उधर से फेरी वाले हटाए थे। मतलब आपको कमिश्नर जाएगा तो ही उधर हटेगा क्या? ये कमिश्नर साहब की गलती नहीं है, कमिश्नर साहब के हाथ के नीचे जो अधिकारी है ना, ये उनको दिशा भूल कर रहे हैं। क्यों? सीएम आएगा तो ही रोड अच्छा होएगा, डेप्यूटी सीएम आएगा तो ही रोड अच्छा होगा। परसों देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे, रोड बराबर बन गया, तो मुझे लगता है मोदी साहब को पूरा मीरा भाईंदर घुमाना पड़ेगा तो जाके रोड होएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये सब है ना, ये गुमराह करने का लाइन है। मीरा भाईंदर में अधिकारियों जो जनता का नाम से लोगों ने करोड़ रुपया कमाए हैं, और एक एक अधिकारी 50-50, 25-25 करोड़ का मालिक है। उसका कारण ऐसा है कि कोई भी नगर सेवक उसके ऊपर ध्यान नहीं है, और नगर सेवक को बोलने का कोई अधिकार उसके ऊपर बनता नहीं, क्योंकि कारण उनका हाथ उसके ऊपर मिला हुआ है उसके साथ में। भावनाओं से आधारित मुद्दा है, गणपति विसर्जन जैसल पार्क के मलमूत्र खाड़ीयुक्त में किया गया, और अब माता दुर्गा देवी का भी विसर्जन होने वाला है। आपने पत्र व्यवहार किया था, क्या जवाब मिला? जवाब उसका जो मिला है, मैं जवाब मुझे मिलने के बाद में मैंने उनको वापस लेटर लिखने का मेरा ड्राफ्टिंग चालू है। उनका ये कहना है कि हमने उधर प्यूरिफिकेशन करके बाद में हमने पानी छोड़ा उसके अंदर, तो मेरा जाहिर आरोप है ये झूठा बोल रहे। और आपने देखा, आपने आपके माध्यम से आपने देखे वहाँ पे सर्वे किए, डायरेक्ट गटर का पानी समुद्र के खाड़ी के अंदर प्रोसेस में, और एसटीपी प्लांट जितने चालू है कितने नहीं उनको ही मालूम। अभी हमने मांगने की है कि हमको उसका रिपोर्ट चाहिए राइटिंग में, रिपोर्ट मुझे लगता है मुझे 1-2 दिन में मुझे मिल जाएगा, उसके बाद में आपसे मैं संपर्क करके उसके ऊपर भी बैठ नहीं। लेकिन दुर्गा देवी का तो विसर्जन वही होने वाला था, एटलीस्ट उसका ऑप्शन उन्होंने कुछ दूसरी जगह करना चाहिए था। मैं उसके लिए शुद्ध जल में, शुद्ध पानी में विसर्जित करना जाना था, लोगों की भावनाएं जुड़ी उससे। मैं उससे उसके बारे में, उस बारे में भी लेटर देने वाला हूँ। आज शाम को मेरा लेटर ड्राफ्टिंग है, कल सुबह उसका भी लेटर देके मैं आयुक्त को मांग करने वाला कि उस जगह पे हम ना छोड़ा जाए। एक शुद्ध पानी में जिधर आप जो स्टीमर में जाके आगे जाके जो छोड़ते हैं समुंदर के बीच में जाके, ज़्यादा डिस्टेंस उसका बढ़ा के वहाँ पर विसर्जन हो, ये हमारी मांग रहेगी, और कल मैं उसका पत्र देने वाला हूँ। अभी आत्मदान को लेकर के जो आपने इशारा दिया था, जो मीटिंग में, उसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ऐसा है, मुझे आज शाम को या तो कल सुबह मालूम पड़ जाएगा। मैंने उनको बोला मैं 2 तारीख तक राख किसका देखने वाला नहीं है, और मुझे राइटिंग मीटिंग में लेटर नहीं चाहिए। आपका जो रूटिंग जो काम है ना वही करने को मैं लगा रहा हूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं आपसे चाहिए। और कल का कल इम्प्लीमेंटेशन करेगा ऐसा उनका मुझे आश्वासन मिला है। कल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो 2 तारीख को मेरा जो स्टैंड है वो स्टैंड ही है ना। लेकिन आप क्यों इतने विरोध में? स्थानिक दोनों विधायक सांसद तो आयुक्त की बड़ी तारीफ करते हैं कि बहुत कार्यशील है, विकास पुरुष है, देखो विजन को लेकर चलने वाले हैं, और आप विरोध में हो। मीटिंग में मेरा यही आरोप है, ये आमदार खासदार को कुछ पड़ी नहीं है। आप टेंडर का नाम निकालो देखो कैसे आ जाते हैं इधर उधर से, क्योंकि टेंडर का इनको पड़ी है, ख्याल में रखो। और ये लोग छाती टोक के, जैसा मैंने आपसे बात किया ना वैसा छाती टोक के बात नहीं कर सकते। उसका कारण ऐसा है कि सबके हाथ मिले हुए, कोई बोल दे मैंने जो उनको लेटर दिया है ना वैसा लेटर वो लेके दिखावे, लिख के दिखावे आयुक्तों को, आयुक्त तो उसका ही फायदा उठा रहा है। आयुक्तों को क्या है, आयुक्त है ना, मैं आपको मैं बोलता हूँ, आपके उधर से उधर मीटिंग में मैंने वो भी बोला और ये भी बोल रहा हूँ, खाली सीएम के गाड़ी में बैठ के और सीएम के साथ में फोटो, सीएम का इवेंट ज्वाइन करके ना कभी मीरा भाईंदर का सक्सेस नहीं होगा। मीरा भाईंदर के लिए आप क्या करते हो ना उसके ऊपर उसका ये रहेगा। आज खाली आप सीएम के गाड़ी में घूमोगे, सीएम के इवेंट्स फॉलो करोगे तो उससे काम मीरा भाईंदर का बनने वाला नहीं। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, सीएम के साथ में रहने वाला सचिन वाजे, वो हफ्ते में 4 दिन उद्धव ठाकरे साहब के साथ में रहता था ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। और सीएम के साथ में रहने वाला क्या होता है ना, ये भी दिलीप ढोले साहब ने जरा आगे सोचना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है उनको। एडवाइस सचिन वाजे का आप उल्लेख कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि सचिन वाजे के ऊपर 100 करोड़ रुपए जमा करने का जो आरोप हुआ है ना, उस मामले में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार करके कि उधर उधर तो पैसा नहीं जा रहा ना, ये मुझे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके लिए मैं उनको ये चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इन्होंने अगर ये मेरा भी अगर सुना नहीं ना तो मैं इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स ईडी सबका परिवार का भी सदस्य का भी इंक्वायरी लगाऊंगा, क्योंकि सीएम है ना कभी अंग पे लगा के लेगा नहीं कोई भी सीएम रहने दो, वो अमुक लिमिट तक हेल्प करेगा। तो आप तो सीधा कमिश्नर पे आरोप लगा रहे हैं। मैं लगा रहा हूँ आरोप ही लगा रहा हूँ,
फेरी वाले किसके लिए, नगर पालिका का अधिकारी उनके साथ में मिला हुआ इसके लिए चल रहे हैं ना, तो नगर पालिका जो फेरी वाले जो कलेक्शन करते हैं वो किधर तक पैसे जाते हैं उसका भी छानिशा होना चाहिए ना, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना। अगर आयुक्त क्लियर है तो आयुक्त बोलते हुए मुझे कि अगर मैं सच्चा है मेरा ये क्लियरेंस है, अगर मेरे पर कुछ निकला तो मेरे पर कार्रवाई होनी चाहिए। आयुक्त लिखे दे हुए, मैं भी लिखे, तो अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मेरे भी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी हमने दो दिन पहले बात की थी कमिश्नर से एसटीपी प्लांट को लेकर के, उनका कहना था कि मीरा भाईंदर के मैंने जब से चार्ज लिया है एसटीपी प्लांट में बिस्लरी के जैसा शुद्ध जल व्हाइट पानी छोड़ा जा रहा है। वो गलत है, वो दिशा भूल कर रहे हैं नगर कमिश्नर साहब। मुझे लगता है उनको फिर से एक बार रिवाइज करना चाहिए। अगर ऐसा है आप सर्टिफिकेट दे देवे ना, आपने उसके ऊपर अगर सवाल जवाब किया तो आपको एक सर्टिफिकेट दिखा देवे क्या? टेस्टिंग रिपोर्ट उनके पास नहीं थी। हाँ तो नहीं तो भी क्या, उसका अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी डॉक्यूमेंट रहेगा तो अपन उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अभी अथॉरिटी खाली शाब्दिक तो अपन नहीं चल सकते ना। तो मुझे कमिश्नर साहब को यही कहना है कि आप करो, बहुत अच्छा काम आपने वॉक विद कमिश्नर लिया था ना, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन टॉक विद कमिश्नर करो ना। आप गली गली में नाके पे खड़ा रहो और कमिश्नर ये टाइम पे इधर आने वाला करके बोलो, जनता को खड़ा करो, कितना जन को सवाल जवाब करने का पूछो ना। तुकाराम मुंडे का मुझे याद आ रहा है, तुकाराम मुंडे सुबह 6 बजे जॉगिंग ट्रैक पे जाके गार्डन में खड़ा रहता था, कमिश्नर साहब से डायरेक्ट बात करो करके, कोई भी अधिकारी से बात नहीं करना, अधिकारी पीछे खड़े रहते थे, मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है। तो ऐसा कुछ करेंगे ना तो तुकाराम मुंडे के लेवल में आदमी पहुँच सकता है। लेकिन अभी इनके ऊपर आरोप आ रहे हैं कि वाईएस ऑफिसर नहीं है, वो सब चीज़ में मुझे जाना नहीं कि वो टेक्निकल विषय है। मुझे खाली इतना है कि जो नागरिक मीरा भाईंदर के उनको सुविधा मिलनी चाहिए, हमारी प्रामाणिक इच्छा है। महाराष्ट्र निर्माण सेना जो जनहित में कुछ भी स्टेप उठाने का है उसके लिए हम लोग नागरिकों के साथ में खड़े। दूसरे नगर सेवक के पास ये अपेक्षा कोई करना नहीं और इनका पात्रता नहीं, और आमदार खासदार से तो नहीं। 15 करोड़ का उन्होंने कोविड स्टेशन बनाया, एक पेशेंट नहीं आया, 15 करोड़ गया किसका? नागरिकों का गया ना। तो नागरिकों को अगर तुम 15 करोड़ में 1 रुपया भी उसका अगर ये नहीं हुआ, उसका फायदा किसका है? टेंडर जिसको मिला उसका ना। स्कूल के बच्चों को उसमें रियायत मिल सकती थी। आज 15 करोड़ में कोई भी स्कूल को आप फंड देते थे ना, तो कम से कम 2000 बच्चे आज उसको 5-5 हज़ार भी कम होता तो भी बहुत बड़ा उनके लिए समाधान होता था ना। लेकिन नहीं किया क्योंकि मेंटेलिटी नहीं, आमदार खासदार के पास मेंटेलिटी नहीं। मैं बोलता हूँ खाली देखो, खाली बड़ा बड़ा भाषण करके ना ये सब चीज़ होता नहीं। नागरिकों को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। हम लोग टैक्स भरते हैं ना तो उसका हमको मोहबदला मिलना चाहिए, प्रामाणिक इच्छा। महाराष्ट्र निर्माण सेना मीरा भाईंदर 145 के अध्यक्ष संदीप राणे किस तरीके से आक्रामक थे, उन्होंने सचिन वाजे का उदाहरण देते हुए मनपा आयुक्त को भी चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री अपने ऊपर नहीं लेंगे, जरूरत आने पर वो ईडी इनकम टैक्स संबंधित सभी विभागों को उसकी शिकायत करेंगे। मीरा भाईंदर के लोगों को काम चाहिए ना कि इवेंट चाहिए। स्वच्छता अभियान को लेकर 4 महीने में 2 बार इवेंट करने का आरोप भी संदीप राणे ने लगाया है। 2 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है नगर पालिका, इस संदर्भ में अभी क्या कार्रवाई करते हैं देखते हैं। आज तो अब मनपा आयुक्त आए नहीं थे इसलिए उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने एडिशनल कमिश्नर और अन्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है और यहां से गए हैं। देखते हैं 2 अक्टूबर तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाकई में कुछ करती है या फिर हमेशा की तरह इस मुद्दे को वापस मनपा आयुक्त दबा देंगे, आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।